हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलिया। और मैं हूँ पुष्पांजलिया। सो आज हम लोग क्लास फोर की हिंदी बुक से चैप्टर सेवन दान का हिसाब पढ़ेंगे। आपको पता चल रहा है दान दान यानी कि हम लोग कभी दान दक्षिणा करते हैं, क्या करते हैं उसमें कि कुछ अगर ग्रह नक्षत्र वगैरह हमारा खराब रहता है, कुछ भी होता है तो हमें दान देने के लिए कहा जाता है। और कई तरह के दान होते हैं, जैसे हम लोग अपने जन्मदिन में जाके कहीं पर मंदिर के सामने दान दे देते हैं किसी को भी, इस तरह का भी दान होता है। तो इसमें देखते हैं कि अभी दान का क्या हिसाब करते हैं। बच्चों एक और बात है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ सीखते रहिए। तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं कि कितने बच्चों को या लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इसी के साथ आज मैं ये लेसन स्टार्ट करती हूँ। एक था राजा। बच्चे लेसन जब पढ़ते हैं तो जोर से अपनी अपनी आवाज, खुला आवाज में पढ़ा कीजिए। राजा जी लग दग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। लग दग यानी कि बहुत एकदम, जो सोना जड़ा हुआ, चांदी जड़ा हुआ कपड़े पहनते थे और उसमें बहुत रुपए खर्च कर देते थे, मगर दान नहीं दे पाते थे, अपने कपड़ों पर ही सिर्फ खर्च करते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राज्यसभा में बहुत लोग आते थे, लेकिन उसमें गरीब लोग और दुखी लोग, विद्वान लोग, सज्जन लोग नहीं आते थे। इसके अलावा अलग लोग, सब व्यापारी वगैरह सब आते थे, क्योंकि उनका मोल राजा नहीं करते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो पूर्व साइड हमारे दिशा कितने होते हैं, चार दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उनके राज्य के जो पूर्वी सीमा है, पूर्व के साइड में जहां से सूरज उगता है, हम लोग जहां रहते हैं, आप अगर सूरज के सामने, सूरज जहां से सवेरे उगता है उसके सामने खड़े हो जाए तो वही पूर्वी दिशा है, और उसका ओपोजिट यानी कि आपके पीठ की साइड तब पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। तो पूर्वी सीमा के लोगों में अकाल पड़ गया था, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राजा को जब पता चला अकाल के बारे में तो राजा ने ऐसे कह दिया कि भगवान ने ही ये चाहा है। लेकिन राजा का असली कर्तव्य क्या होता है कि दुखियारे को या फिर भूखमरे में जब लोग मरने लगते उनको, उनकी देखभाल करना होता है। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। उन्हें थोड़ी पैसे चाहिए थे ताकि वे अनाज खरीद कर खाने के लिए खरीद सके। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब है, दो व्यक्ति की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। असल में कर्तव्य क्या होता है राजा की, कि राजा अपने ऊपर पूरा खर्च ना करके राजा अपने देशवासियों के लिए भी उसके राज भंडार के पैसे को रखना चाहिए बचा के। लेकिन ये राजा अलग टाइप का था, वो सिर्फ अपने कपड़ों में ही खर्च करता था, अपने खान पान में खर्च करता था, और इससे जो है प्रजा भी बहुत दुखी थी। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो लोग निराश हो गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। हाँ, अकाल बढ़ता जा रहा था, लोग मरने लगे थे भूख के मारे। जब अकाल आती है तो
भूखमरी होती है। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। लोग प्रजा आकर कहने लगे कि 10,000 रुपए दीजिए, तब हम लोग थोड़ा कुछ तो खा भी लेंगे, आधा पेट खाके भी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो सभी लोग मर जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लगे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? 10,000 रुपए बहुत होते हैं, लोगों से ये कहा राजा ने कि और थोड़ा खाके तुम जीवित रह के क्या करोगे, उससे अच्छा बिना खाए मर जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, और राजकोष की जो पैसे होते हैं वो एक्चुअली प्रजा की ही होती है, प्रजा ही उन्हें कर देती है, तभी वे उनको पैसे मिल पाते हैं। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लौटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? क्या मैं राजकोष का धन खत्म कर दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन 1,000 रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। हाँ, किसी ने ठीक ही कहा कि हाँ, राजमहल में जब इतने खर्च नाच गाना सुगंध यानी कि सेंट वगैरह वस्त्रों के लिए यानी कि कपड़ों के लिए खर्च करते हैं, उससे अच्छा उन काम को अभी छोड़ के हमारे जीवन को बचाइए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। तो राजा ने उसे डरा धमका के कि रुपया मेरा है, मैं चाहे उस रुपये का जो भी करूं, और उसे भगा दिया। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए, क्योंकि राजा क्रोध यानी कि बहुत गुस्सा हो गए थे। राजा हंसते हुए बोले, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। वो सोचता है कि पहरेदारों को कि खाना ही कब, खुराक यानी कि जो खाने के लिए पैसा खर्च होते हैं वो ही कम कर देता अगर 100-200 की बात होती। 10,000 तो मेरे पास अभी नहीं है और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। वो राजा जो है वो अपने प्रजा को बिल्कुल छोटे लोग समझते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए, क्योंकि राजा के यहाँ उपस्थित कौन होता है? सिर्फ व्यापारी होते हैं जिनको राजा से लाभ होती है, सज्जन व्यक्ति या फिर विद्वान व्यक्ति तो उस राजा के बैठक में थे ही नहीं। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। बच्चों, जैसे कि कर्तव्य, इन वर्ड को आप लोग लर्न कीजिए, इसका डिक्टेशन लीजिए, तभी आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से वर्ड। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया, जबकि सन्यासी और सज्जन व्यक्ति आते तो नहीं थे राजा के पास, क्योंकि राजा को बात करना बिल्कुल नहीं आता था, वे किसी का सम्मान नहीं करते थे। लेकिन एक सन्यासी आए, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा पूरी कर दे, मीन्स आपकी गुण सुनकर मैं आपके पास आया हूँ, आप सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो अब मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर उनकी जब राजा ने अपनी वाह वाही सुनी तो बोले, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा ने कहा, अगर तुम कम मांगते हो तो शायद मैं दे भी सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मैं
राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। ओ 20 दिन के लिए उन्होंने भिक्षा मांगा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, मीन्स दुगुना होते जाएगा। जैसे कि आज 2 रुपए लिए तो फिर कल 4 रुपए, फिर 4 into 2 4 to 8 फिर 8 rupees, 8 into 2 ऐसे दुगुना होते जाएगा। इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता चाहता हूँ, भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है और मैं इसी तरह से भिक्षा लेता हूँ, वरना मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तब सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ओ सन्यासी बहुत ही चतुर थे, उन्होंने 1 रुपया से स्टार्ट किया। यह सुनकर राजा मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे, 1 रुपया से स्टार्ट करके उसके दुगुना भिक्षा देते रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने, भंडारी यानी कि कौन, जो अकाउंटेंट होता है जो सबका सारे भंडार का घर का हिसाब रखता हो, भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह क्योंकि 4 का दुगना फिर 8 हो रहा था, 8 का दुगना 16 हो रहा था, इस तरह से काफी धन निकला जा रहा था। उन्हें उलझन महसूस होने लगी, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई, तब भंडार घर से भंडारी ने मंत्री को यह बात बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, क्योंकि महाराज को ज्यादा अपने ऊपर क्या था, घमंड था, घमंड होने के कारण उन्हें बात समझ में ही नहीं आई और अभी महाराज का ही दिवाला निकला जा रहा है। घमंडी आदमी के पास ऐसे ही चालाकी लेके जाने से ही कुछ काम बनता है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हर बढ़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, वह अपना पसीना पोंछ कर सिर खुजला कर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है, क्योंकि राजा के दरबार में कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं था तो वे पूरा हिसाब नहीं लगा पा रहे थे। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी कि पंखा करने के लिए पहले लोग बैठे रहते थे, क्योंकि करंट तो थी नहीं तो वे लोग अपने हाथ से ही पंखा को हिला हिला के हवा करते थे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। माय गॉड, मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है।
मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। इस तरह का हिसाब था दान का हिसाब, पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये, फिर 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था, ये देखो। राजा ने एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी, महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? राजकाज यानी कि पूरा जो भी काम होता है राज दरबार से, सारे काम तो पैसों से ही होते हैं। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। लेकिन सन्यासी ने क्या किया कि खबर ऐसे फैलाई कि राजा की ही वाहवाही हुई कि राजा ने अपने राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए हैं, और लोग भी खुश हो गए और महाराज की भी वाहवाही हो गई। सन्यासी तो बहुत ही चतुर और विद्वान थे। सो जो काम हम लोग सीधे रास्ते से सीधा से नहीं कर पा रहे थे, प्रजा इन सन्यासी ने आकर अपनी बुद्धि से वह काम कर दिखाया। सो दान का हिसाब लिखा है सुकुमार राय जी ने, इसके इस लेसन के लेखक हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग जब भी लेसन पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए 2-3 बार, और उसके हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसको लर्न करके उसका डिक्टेशन लेना है, श्रुत लेख करनी है, सुनते हुए लिखना है, और चाहे तो मेरे वीडियो सुन सुन के उसका श्रुत लेख कीजिए, और अपने लेख भी साफ कीजिए, सुलेख भी होनी चाहिए साथ में। इसी के साथ ये लेसन यहीं समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगी। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।